नमस्ते, मैं हूं सीमा। और क्या लोग आपको इग्नोर करते हैं? आपको जानबूझ के इग्नोर करते हैं जब आप उनके पास जाते हैं, उनसे बात करते हैं, तो हमें कितना बुरा लगता है, आपको कितना बुरा लगता होगा उस समय जब लोग आपको इग्नोर करते हैं। तो कुछ ऐसे सिम्टम्स तो होंगे जिससे हमें पता पड़ता है कि लोग इग्नोर करते हैं। वो तो आपको मालूम ही होगा कि हम जब जाते हैं, लोग हमें देख के मुंह मोड़ लेते हैं, या किसी और से बात करने लग जाते हैं, या हमें इम्पोर्टेंस नहीं देते, या हमारी बात करके दूसरे के साथ हंसी बनाते हैं, या हमारी फ़ोन कॉल्स को इग्नोर करते हैं और कहते हैं हम बिज़ी हैं अगर फ़ोन करते हैं तो, या हम कहीं जा रहे हैं। ये सारे छोटी छोटी सी बातें हैं जिसे हमें पता लगता है कि लोग हमें इग्नोर कर रहे हैं, या टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि ठीक है, ये तो अवेलेबल है, आ ही जाएंगे, कर ही देंगे, या इनको जब कहो तब आ जाएंगे, इन्हें हमारी बहुत ज़रूरत है। तो ये जो भी ये हमारा व्यवहार होता है, सामने वाले को बहुत अच्छे से समझ आ जाता है कि हम क्या कर रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं। पर ये सब चीज़ें एक तरफ, अगर कोई आपको इग्नोर करे तो आपको क्या करना चाहिए? अगर कोई आपको इग्नोर करे तो सबसे पहले आपको ये करना चाहिए कि आप ये देखिए कि लास्ट जब आपकी मीटिंग हुई तो ऐसी क्या बात हुई कि आज ये सिचुएशन आई। अगर कुछ कहा सुनी में, कुछ गर्मा गर्मी में, या आपने कुछ कह दिया, आपकी बात कोई बुरी लग गई, या कहीं से कोई बात गलत मिल गई, इसलिए इग्नोर कर रहे हैं, तो आपको पता पड़ ही गया है तो आप आगे होके माफ़ी मांग सकते हैं। माफ़ी मांगने का मतलब ये नहीं कि आप कमज़ोर हैं, माफ़ी मांगने का मतलब ये है कि आप रिश्ते रखना चाहते हैं। तो जब भी आप रिश्ते रखना चाहते हैं और माफ़ी मांगते हैं तो इससे रिश्ते मजबूत होते हैं। तो हमें ये तो हमें पता पड़ ही गया कि लोग हमें इग्नोर कर रहे हैं, हमने माफ़ी भी मांग ली, लेकिन फिर भी ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, फिर भी लोग हमें ठीक से बात नहीं कर रहे हैं, हमसे बस पूरी तरीके से हमें साइड में किया हुआ है। तो आपको समझना चाहिए कि जब आपने पहल ली, आपने बात करने की कोशिश करी, आप अपनी सारी चीज़ें कर रहे हैं, उसके बाद भी अगर वो उस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं तो ये समझ में आ जाना चाहिए कि वो आपसे रिश्ता नहीं रखते हैं या रखना नहीं चाहते हैं। और अगर वो रिश्ता नहीं रखना चाहते हैं तो आप फिर परेशान मत होइए। ये साइंस होते हैं, ये सिग्नल्स होते हैं जो हमें मिलते हैं, और हम इसको खुद ही इग्नोर करते हैं, फिर वो कहते हैं कि हम वो हमें इग्नोर कर रहे हैं। अगर इसको समझ जाएंगे और थोड़ा सा संभल के करेंगे तो हम हर्ट होने से बच जाएंगे। अगर कोई इग्नोर कर रहा है और रिश्ता नहीं रखना चाहता है तो हमें दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। हमने एक बारी कोशिश करी, दो बारी कोशिश करी, तीन बारी कोशिश करी, उससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हमें उन लोगों से बात करनी चाहिए जो हमसे प्यार रखें, मोहब्बत रखें, हमारी वैल्यू करें, हमारी चीज़ों में थोड़ी सी मोटिवेट करें हमें, ना कि हमें डिस्करेज करें, हमें पुल डाउन करें। और जब ऐसे लोग होते हैं जो पुल डाउन करते हैं और हमें आगे बढ़ने नहीं देते, तो फिर तो उनसे रिश्ता रखने की ज़रूरत ही क्या है। आपको लड़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बदतमीज़ी करने की ज़रूरत नहीं है, आप हम्बली पोलाइट भी वहाँ से दूर हो सकते हैं। और ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं जो हम रोज़ अपनी ज़िंदगी में फ़ेस करते हैं। आप अपने ऑफिसेज में फ़ेस करते होंगे, हम औरतें अपने घर में, अपने जो भी हमारा सर्कल है वहाँ फ़ेस करते हैं। तो क्या करें? एक सिंपल सा सोल्यूशन है, सबसे पहले तो हम माफ़ी मांग लें अगर हमारे लिए वो इतने इम्पॉर्टेंट है और हमें अपनी गलती लगती है जो मैंने अभी आपको बताया। नंबर टू, आप पहल करें, बात करें और सबके बीच में बैठ के बात करें उनसे। लेकिन अगर उनका मूड ठीक नहीं है तो कभी जब मूड ठीक हो तो अकेले में बैठ के बात करें, क्योंकि पता नहीं वो कैसे आपको स्नप डाउन करेंगे। तो जब हम अकेले में बैठ के बात करें तो उनसे पूछें कि आपको क्या हुआ है, आपकी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तो वो क्लियर करें। फिर वही बात है, अगर वो नहीं समझ रहे हैं तो इस आपसे वो रिश्ता नहीं रखना चाह रहे हैं, और वह हर्ट बिल्कुल मत होइए। हमें अपनी वैल्यू खुद को करनी आनी चाहिए। अगर हम खुद की वैल्यू नहीं करते तो दूसरा भी हमारी वैल्यू नहीं करता है। आज के ज़माने में माइंड पे हमारा इसका इम्पैक्ट बहुत होता है। बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारे स्ट्रेसेस, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज हमें झेलनी पड़ती हैं। तो कम से कम ये चीज़ों का लोड लेके ना चलें। अगर लोड लेके नहीं रहेंगे तो हम बहुत ही खुश रहेंगे। अगर कोई लड़कियां, अगर कोई लड़के इग्नोर करते हैं या लड़कियां इग्नोर करती हैं, उनको तो भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं। कोई भी लाइफ में इतना इम्पॉर्टेंट नहीं होता कि उसके लिए हम कुछ भी कर गुजरें। सिर्फ अपने मन को शांत रखें, अपने आप को अच्छा रखें, अपनी अंदर की ताकत को बढ़ाएं, अपनी अंदर की खूबसूरती को बढ़ाएं,
और जब आप में गुण होंगे तो लोग अपने आप खींचे चले आएंगे आपके पास, वो इग्नोर कर ही नहीं सकते। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपनी खुद की क्वालिटीज़ को बढ़ाना, अपने अंदर जो गुण हैं उसको बढ़ाना। जैसे कहते हैं ना, गुड़ को देख के तो मक्खियाँ आ ही जाती हैं, तो लोग इग्नोर कर ही नहीं सकते। हमेशा याद रखिए, अपना समय लोगों के लिए वेस्ट करने से कुछ नहीं होगा। अपनी क्वालिटीज़ को पहचानिए, उन लोगों में रहिए जो आपकी कीमत रखते हैं, आपकी वैल्यू करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं और आपका क्रिटिसिज्म भी कर सकें कि आप गलत हैं, यहाँ वो प्यार से आपको सुधार भी सकें। क्योंकि क्रिटिसिज्म से हमारे अंदर सुधार आता है, हमें पता पड़ता है हम यहाँ गलती पे हैं। तो अगर हम ऐसे लोगों के साथ रहते हैं तो हम आगे बढ़ जाएंगे और हमें लोग कोई भी इग्नोर नहीं कर पाएंगे। थोड़ी सी मेहनत होगी लेकिन इसका जो फल होगा वो बहुत ही मीठा होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर बीइंग हियर। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक। बाय बाय।